हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। स्वागत है आपका अपने साइंस के चैनल पे। सो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब योर साइंस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू रिसीव द नोटिफिकेशन। दिस क्लास इज़ फॉर 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। सो आप सबको पता है कि आपके फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन आने वाले हैं, जिसमें आप सबका क्या टारगेट होना चाहिए, फुल मार्क्स का। बिकॉज आप लोग घर में हैं, अच्छे से पढ़ाई करिए, तो आप सबको होता है कितने क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे। कितने मार्क्स के होंगे आप लोग के, 40 क्वेश्चन, 50 मार्क के आप लोग के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 40 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, 50 मार्क्स से होगा। तो फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन कितने मार्क्स का एग्ज़ाम है, 50 मार्क्स का एग्ज़ाम है। तो ट्राई टू गेट द 50 मार्क्स, ठीक है, 50 आउट ऑफ 50। आप सबके आई होप 50 आउट ऑफ 50 आएंगे, क्योंकि आपकी मैम ने बहुत मेहनत से पढ़ाया है और आप लोग ने पढ़ा भी है। बहुत सारे बच्चे कंटिन्यूसली ज्वाइन है, कमेंट बॉक्स में विद नेम एंड सेक्शन कमेंट भी करते हैं। लेट्स सी कि कौन फर्स्ट आता है आप लोगों में, उसका अनाउंसमेंट भी होगा। तो चलिए आज हम करेंगे सेकेंड चैप्टर का रिविज़न, और जिन भी बच्चों ने अभी तक पुराने वीडियोज़ नहीं देखे वो देख लेंगे। और एक्सरसाइज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सरसाइज लिंक पड़ा है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये है आपका फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन का सिलेबस, तो आप लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर दीजिए। आज हम देखेंगे सेकेंड चैप्टर का रिवीजन क्लास, एंड जो फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा बचा था वो वाला पार्ट भी अभी हम देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में, लास्ट रिवीजन क्लास जो आपकी फर्स्ट चैप्टर की हुई थी, उसमें हमने वीडिन तक का पोर्शन कंप्लीट किया था। आज हम उसके आगे का पार्ट देखेंगे। उसके आगे का पार्ट था क्रॉप प्रोटेक्शन। तो क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग एनिमल से, पेस्ट से, ठीक है, अपने क्रॉप्स को बचाने के लिए तो हम अलग अलग टाइप के प्रोटेक्शन मैथड यूज़ करते हैं, ठीक है। पहले तो या तो हम बाउंड्रीज बना देते हैं थोड़ी सी, ताकि हमारे क्रॉप जैसे लाइक गाय हैं, वो चरने के लिए अपने खेतों में ना चली जाएँ। क्योंकि हमारा पौधा अगर नया नया होगा है और उसे कोई जानवर खा लेगा, बकरी है, गाय है, तो वो पेड़ टोटली बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, है ना। तो हम लोग कुछ केमिकल्स भी डालते हैं लाइक किसी पेस्ट से बचाने के लिए, जो पेस्ट को किल करता है। तो उन केमिकल्स के नाम क्या हैं ये भी आप लोग एक देख लीजिएगा। लाइक इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग, DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये इंसेक्टिसाइड है। BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, कॉमनली नोन एज गैमाजीन, मेलाथियन, इतनी सारी चीज़ें हैं जो एज अ केमिकल्स हम यूज़ करते हैं फॉर दी प्रोटेक्शन। नाउ फंजीफाइसाइड्स कौन कौन से, सल्फर, कॉपर। रोडेंटिसाइड्स कौन से हैं, जे फॉस्फाइड। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आ जाता है एडवांटेज ऑफ यूजिंग पेस्टिसाइड्स, क्या एडवांटेज है। तो फूड प्रोडक्शन इंक्रीजेस, तो पेस्टिसाइड आप ज़्यादा डालेंगे, आपका पेड़ पौधा किससे बचेगा, जानवरों से बच जाएगा, पेस्ट से मिल जाएगा, इंसेक्ट से बच जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आपको जो ईल्ड मिलेगी, आपकी खेती की जो ईल्ड होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, और आपकी जो क्रॉप क्वालिटी होगी वो भी इम्प्रूव होगी। क्योंकि अगर आपके पेड़ों में बैक्टीरिया नहीं लगेंगे, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो सिंपल सी बात है आपकी क्रॉप अच्छी होगी और ईल्ड अच्छी होगी। यहाँ पे फिर डिसएडवांटेज क्या है, केमिकल, बिकॉज हमारे खाने में केमिकल आके मिक्स हो जाएगा, तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ये हमारे लिए लॉस होगा। देन प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग, मतलब कटाई, कटाई कैसे होती है, इस तरह की मशीन से होती है गेहूं की कटाई, ठीक है। कटाई करने के बाद हम क्या करते हैं, स्टोरेज, थ्रेशिंग करते हैं, मतलब उसका अनाज अलग करते हैं पेड़ से, थ्रेशिंग के प्रोसेस से। फिर उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो है स्टोरेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। स्टोरेज कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट स्टोरेज है, स्टोरेज ऑफ ग्रेन इन सिलोज, ठीक है, बोरियों में भर करके या ऐसे बॉक्सेस में भर करके हम रख देते हैं। हमारे पास हमेशा इतना अनाज स्टोरेज में होता है एक्स्ट्रा, कि अगले साल खेती ना हो तो हमारे पास एक साल तक का अगले अनाज होता है टोटल गवर्नमेंट के पास स्टोरेज में, ठीक है। जैसे कुछ तरह की प्रॉब्लम होगी, बारिश ज़्यादा हो गई या बारिश नहीं हो पाई, तो थोड़ा सा स्टोरेज गवर्नमेंट हमेशा बना कर चलती है। आप लोग के घर में भी होता होगा, आपकी मम्मियाँ क्या करती हैं, एक्स्ट्रा सामान का स्टोरेज बना के चलती हैं। आप यूज़ एक पैकेट बिस्किट करते हो, पर आपके घर में 4 पैकेट एक्स्ट्रा रखे रहते हैं। ऐसा क्यों है, जिससे अगर अचानक से बिस्किट ख़त्म हो जाए तो आपके पास एक्स्ट्रा पैकेट रहेगा, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं स्टोरेज। नाउ यहाँ पे क्या है, फूड फ्रॉम एनिमल्स, तो आप सबको पता है एनिमल से कौन कौन से फूड आते हैं, मिल्क है, चिकन है, फिश, हनी, एग, ये सारे फूड हमारे एनिमल से आते हैं। नाउ ये चैप्टर का रिवीजन आज यहीं पे एंड होता है, हम जाएंगे सेकेंड चैप्टर के रिवीजन पार्ट में। तो एक्सरसाइज सॉल्यूशन वाला जो पार्ट है वो तो आप लोग को करना ही करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज सॉल्यूशन जो मैम ने करवाया था वो तो आप लोग याद करेंगे ही करेंगे, और चैप्टर के सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनाए मैम ने, और आई होप आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करने वाले हैं।
नाउ हम आ जाते हैं सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर है आप लोग का माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, इसके और भी क्लासेस जो बच्चे नए हैं, सभी क्लासेस चैनल पे एडेड है, जिनको एक्सप्लेन वे में प्रैक्टिकल टास्क के साथ सब कुछ एक्सप्लेन वे में लाइन वाइज भी क्लासेस चाहिए वो चैनल पे जाएंगे। पुराने वीडियो मैम ने सर्च करना सिखा दिया है, आप लोग जाइए पुराने वीडियो देखिए, ठीक है। और आज हम थोड़ा सा फास्ट वे में एक फटाफट एक रिविज़न क्लास करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो सेकेंड चैप्टर। तो आप लोग ने यहाँ पर क्या पढ़ा था, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइंटिस्ट हु स्टडी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। तो ये लाइन आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होती है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। नाउ उसके बाद यहाँ पे हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, आप सब जानते हैं कोविड 19 क्या है, कोविड 19 एक तरीके का वायरस है, ठीक है। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, ये सब हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है, और ये सारे हमें डिजीज़ कॉज करते हैं, तो इसलिए हमने इसके बारे में पढ़ाई की थी लास्ट वीडियो में। नाउ यहाँ से हमने देखा था कि कौन से डिजीज़ कैसे होती है, कॉजेटिव एजेंट क्या है उसके। तो यहाँ पे पहला है कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कफ, रेबीज, पोलियो, चिकन पॉक्स, मीजल्स, हेपेटाइटिस ए, मम्स, ये सब किससे होते हैं, वायरस से होते हैं। डायसेंट्री, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, प्रोटोजोआ के कारण होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस, ये किसके कारण, बैक्टीरिया के कारण। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो अलग अलग तरीके की डिजीज़ ह्यूमन बींग्स पे करते हैं, ठीक है। तो इन सबसे हमें बच के रहना होता है। नाउ हम सेकेंड पेज में आएंगे, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पे रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, पानी में रहते हैं, ठीक है, तो हर जगह रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर उसके बाद यहाँ पे बात की जाए बैक्टीरिया कितने टाइप का होता है, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो अलग अलग डिजीज़ कॉज करते हैं। पहला है बैसिलाई, बैसिलाई क्या करता है, टाइफॉइड फीवर, ठीक है। कोकाई, कोकाई क्या करता है, सोर थ्रोट, गले में खराश जो हो जाती है। उसके बाद आता है विब्रियो, विब्रियो क्या है, कालरा, कॉमा शेप बैक्टीरिया होता है ये, ऐसा ऐसा करके कॉमा टाइप, ठीक है। स्प्रेला, स्प्रेला भी होता है, रॉड शेप होता है, बट ट्विस्टेड स्पाइरल, स्पाइरल में होता है ना। उसके बाद बात करेंगे वायरस का, तो वायरस का ये जनरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। वायरस क्या करता है, वायरस अम्बे डिजीज कॉज करता है, और सबसे ज़्यादा हार्मफुल डिजीज़ किसकी होती है, वायरस। अगर आप एक वायरस से इन्फेक्ट हो रहे हो तो वो आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा नुकसान करेगा, ठीक है। बैक्टीरिया से ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे लिए वायरस, और कोविड 19 एक वायरस है, और वायरस बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। नाउ फंजाई आ जाएंगे हम, फंजाई कैसा होता है आप लोग जानते हैं, मशरूम क्या होती है हमारी, मशरूम फंजाई है जिसे हम खाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जिन्हें हम खाते हैं रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें नहीं खाया जाता, तो हमें पता है, साइंटिस्ट को पता है, मार्केट में बताया हुआ है, ठीक है, सब कुछ ऑलरेडी स्टडी हो चुकी है, रिसर्च हो सकी है कि कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सा फंजाई खाने लायक होता है, कौन सा फंजाई खाने लायक नहीं होता। तो यहाँ पर जो मशरूम है वो क्या है, वो फंजाई है जिसे हम लोग खाते हैं, ठीक है। और हर तरह के मशरूम को नहीं खाया जाता, यहाँ पे जंगली मशरूम आते हैं, नॉर्मल मशरूम आते हैं, तो हम लोग नॉर्मल मशरूम खाते हैं जिसमें प्रोटीन हाई कंटेंट में प्रेजेंट होता है ना। उसके बाद एल्गी की बात आती है, तो एल्गी क्या होता है, ये भी मैम ने आपको बताया था, आप लोगों ने देखा होगा घर के आसपास अगर आपका छोटा सा पॉन्ड हो या छतों में या सब जगह, पानी में क्या लग जाती है, काई लग जाती है ना ग्रीन कलर की, उसी को हम क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं ना। तो एल्गी का सबसे मेन पॉइंट क्या था, जैसे मैम ने अंडरलाइन कराया था आपको पढ़ाते टाइम, सेल्स ऑफ एल्गी कंटेन क्लोरोफिल। तो ये क्योंकि ग्रीन प्लांट में इनको काउंट करते हैं साइंटिस्ट, ठीक है। एल्गी जो काई होती है वो ग्रीन कलर की होती है, डार्क ग्रीन, और इसे कैसे काउंट किया जाता है, इन्हें प्लांट के बेसिस में काउंट किया जाता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होते हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, किससे, फोटोसिंथेसिस मेथड से। फोटोसिंथेसिस के बारे में आप लोग ने सेवन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग द सनलाइट, वाटर, है ना, ये सारी चीज़ें करके प्लांट अपना खाना खुद से बनाते हैं, प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस। तो एल्गी क्या है, एल्गी एक प्लांट है, ठीक है। काई भी एक तरीके का प्लांट है जो कि बहुत छोटा होता है, जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और वो अपना खाना खुद बनाते हैं किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ना। उसके बाद हम प्रोटोजोआ के बारे में हमने देखा था, ठीक है। प्रोटोजोआ क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर दी फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन दी अर्थ, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ पे थे, उसके बाद अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म आने लगे, तो ये इसका एग्जांपल है, अमीबा और यूग्लेना प्रोटोजोआ, ये दोनों क्या हैं, प्रोटोजोआ हैं। नाउ यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनका हम लोग यूज़ भी करते हैं, और बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए हार्मफुल है,
तो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म के बारे में हम पढ़ेंगे। यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्या है जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, जिन्हें हम खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं। तो पहला है, दे आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, ब्रेड बनाने में, दही बनाने में, केक बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज़म का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैव बीन यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल बनाने के लिए भी ईस्ट का यूज़ किया जाता है, ईस्ट क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। नाउ थर्ड, दे आर यूज इन क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट, ठीक है, क्लीनिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। प्रोसेस क्या है इसका, बैक्टीरिया करता है, ठीक है। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर फोर क्या है, बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किस में यूज़ किया जाता है, मेडिसिन बनाने में यूज़ किया जाता है। फिर पांचवा आ जाता है हमारा, लेग्यूमिनस बैक्टीरिया इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। तो आप सबको पता है राइजोबियम क्या है, आप लोगों ने सेवन्थ क्लास में पढ़ा था, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, बैक्टीरिया आर मिक्सड विथ क्रीम टू मेक फ्लेवर बटर, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्रीम के साथ कुछ ऐसे, एक ही बैक्टीरिया काम नहीं कर रहा है इतना सारा, यहाँ पे अलग अलग तरह के बैक्टीरिया हैं जो अलग अलग तरीके का काम संभाल रहे हैं, ठीक है। मिक्स विद क्रीम के साथ मिक्स होके बटर में अलग अलग फ्लेवर देता है, ठीक है। फिर बैक्टीरिया हेल्पिंग राइपनिंग ऑफ टी लीव्स, ठीक है, ये बहुत सारे यूजेस हैं जो बैक्टीरिया हमारा करता है ना। उसके बाद आप सबको पता है कि हमारी जो मेडिसिन बनती है वो एंटीबायोटिक्स जो है वो भी कैसे बन रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके बन रही है। और एंटी, सबसे पहले एंटीबायोटिक कौन सी थी, पेंसिलिन, पेंसिलियम इज़ दी फर्स्ट एंटीबायोटिक, ठीक है, पेंसिलियम नोटेटम। यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए इसको, आप लोगों को कैसे पढ़ना है, हमेशा जब भी आप लोग पढ़ाई करेंगे तो अपनी बुक्स लेके साथ में पढ़ेंगे, बुक्स एंड पेंसिल, ठीक है। नए बच्चे भी जान लें, जब भी आप लोग को साइंस की क्लास करनी है अपनी बुक और पेंसिल साथ में लेके रखेंगे, जिससे मैम कहीं भी बोलती हैं आपको यहाँ पे अंडरलाइन करना है या टिक मार्क कर लेना है तो आप लोग उसे फटाक से कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मार्क करनी है, वो क्या, पेंसिलिन नोटेटम इज़ द फर्स्ट एंटीबायोटिक। नाउ यहाँ पे वही चीज़ दी हुई है। उसके बाद वैक्सीनेशन क्या होता है, कोविड-19 के टाइम पे वैक्सीन लग रही है, वैक्सीनेशन हो रहा है जिससे हम लोग सेफ रहें, जिससे हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज़ बन जाए, और जब हमें सच में करोना हो अगर इन फ्यूचर कभी भी, तो क्या हो, हमारी बॉडी सेफ़ हो और लड़ने के लिए सक्षम हो वैसे वायरस से, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे, तो एग्रीकल्चर में आपने पढ़ा यहाँ पे क्या, मैंने अभी क्या बताया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो लिक्विड नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है उसे कहते हैं हम राइजोबियम, जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है ना। फिर उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे ह्यूमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉरी। तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिन्हें हम खाते हैं जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, हमारी बॉडी के लिए हेल्दी भी है। तो बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं जो हमारे लिए डेंजरस हैं और हार्मफुल हैं। तो ऐसे कौन कौन से हैं, पैथोजन इंटर आवर बॉडी थ्रू एयर वी ब्रीथ, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ से, जो हम सांस लेते हैं वहाँ से अंदर चले जाते हैं, पानी से जाते हैं, खाना से जाते हैं और एनिमल से जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो उस नॉनवेज में जो भी अगर किसी तरह के कीटाणु हैं या किसी तरह की बीमारी हुई तो कहाँ, वो आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चीज़ें, क्योंकि आप अगर कुछ नॉनवेज खाते हैं तो उसका पर्टिकुलर टेस्ट थोड़ी ना हुआ होता है कि ये नॉनवेज परफेक्ट है ईटिंग के लिए, राइट। तो इसलिए कहते हैं कि नॉनवेज वगैरह भी अच्छी जगह से खाइए हमेशा, या देख करके खाइए या अवॉइड करिए खाना, राइट। ऐसी चीज़ें हैं ना, कम्युनिकेबल डिजीज़ आती है, तो कम्युनिकेबल डिजीज़ में आप सबसे अच्छा क्या चल रहा है इस टाइम पे, कोविड-19 जो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ में आते हैं। फिर माइक्रोबियल डिजीज़ दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ आपको नाम से पता चल रहा है कि ऐसे डिजीज़ जो कॉन्टैक्ट में आने से होती है, लाइक एयर वाटर के कॉन्टेक्ट से आने से, दो लोग बात करें वैसे। तो आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल पता है कोविड-19 अभी का, जो कि बहुत ही कम्युनिकेबल डिजीज़ है और बहुत ही हार्मफुल है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या किया है, ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस बाय द इंसेक्ट एंड एनिमल, इंसेक्ट एंड एनिमल से भी होता है। लाइक हमें डेंगू किससे हो जाता है, मॉस्किटो से होता है। मलेरिया कैसे होता है, मॉस्किटो से होता है। तो कौन सा मॉस्किटो से होता है, फीमेल मॉस्किटो, ठीक है। मॉस्किटो में फीमेल जो होती हैं, एनोफील्स मॉस्किटो कैरीज पैथोजन ऑफ मलेरिया। तो जो मलेरिया हमारे कंट्री में इतना ज़्यादा मलेरिया के मरीज़ होते हैं हर साल, इतने इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं, वो किसके कारण, मच्छर के काटने से होते हैं। इसी तरह डेंगू को, डेंगू किसके कारण होता है, एडीज मॉस्किटो के कारण डेंगू होता है ना। तो यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, एनोफील्स मॉस्किटो कॉजिंग मलेरिया इन पर्सन ह्यूमन बींग्स एंड फीमेल एडीज मॉस्किटो कॉजिंग डेंगू इन ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे आप लोग ये टिक मार्क कर ले। फिर ये सारी चीज़ें जो मैम आपको
जब क्लास एक्सप्लेन कर रही थी सारी चीज़ें बहुत एक्सप्लेन वे में पढ़ाई है, तो जो भी बच्चे नए हैं वो क्या करेंगे, पुरानी वीडियोस को जाके चैनल पे देख लेंगे, ठीक है। पुरानी वीडियोस को आप लोग को पता है कैसे सर्च करना है। नाउ यहाँ पे क्या है, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स इन एनिमल, तो एनिमल्स में कौन कौन से हैं, ठीक है। एंथ्रैक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज बाय बैक्टीरियम, ठीक है। बैक्टीरियम कॉज करता है क्या, एंथ्रैक्स, जो कि बहुत हार्मफुल है किसके लिए, एनिमल के लिए और ह्यूमन के लिए। सेकेंड है फुट एंड माउथ डिजीज, है ना, ऑफ कैटल इज कॉज बाय वायरस। इस तरह से अलग अलग टाइप के जो डिजीज़ है वो एनिमल्स में भी होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था, क्या देखा था, ये जो लाइक कैन में जो सामान आते हैं, डिब्बा बंद कैन फूड या टिन फूड, ठीक है, ऐसे क्या बोलते हैं, टिन फूड भी बोलते हैं ना, जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं वो टीन में आते हैं, या रसगुल्ले आजकल किस में आने लगे, इस तरह की टीन में आने लग गए हैं, या डिब्बा बंद कहते हैं। ऑल्सो कॉज्ड बाय पॉइजनिंग बिकॉज द बैक्टीरिया स्पॉइल द फूड आइटम्स, तो बहुत ज़्यादा आपको डिब्बे वाला आइटम नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो बहुत दिन से पैकेज रहता है, ठीक है। उसकी गारंटी कितनी होती है, 4 मंथ की 3 मंथ की, तो 3 मंथ से आपका रसगुल्ला पैक्ड है एक डिब्बे के अंदर, उसमें बहुत सारे केमिकल डाला गया है जिससे वो रसगुल्ला सेफ रहे, बट वो खाने के लिए सुरक्षित क्यों नहीं है, हो सकता है वो रसगुल्ला स्पॉइल हो जाए। आप लोग घर में अगर रोटियां बनाते हैं या रसगुल्ले आपकी मम्मी बनाती हैं या लड्डू बनाती हैं, तो कितने दिन चलते हैं, 15 डेज 20 डेज, इसके बाद वो ख़राब होने लगते हैं। आप सोचिए यही रसगुल्ला अगर टीन वे में डिब्बा बंद में आपके घर में आएगा, जो कि एक्सपायरी डेट जिसकी 2 मंथ बाद है और 4 मंथ से पैक्ड होकर मार्केट में घूम रहा है, तो कितना ज़्यादा हार्मफुल है। तो ट्राई टू अवॉइड दिस डिब्बा बंद एंड कैन फूड, ओके स्टूडेंट्स, फॉर आप लोग को अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए अवॉइड करना चाहिए डिब्बा वाला फूड, ठीक है। नाउ हम आगे आएंगे, तो कुक फूड आप सबको पता है, गर्मियों के दिन में अगर आप लोग खाना बना के खाना बाहर रख देंगे फ्रीज़र में, नहीं फ्रिज में नहीं रखेंगे रेफ्रिजरेटर में, और काफ़ी टाइम से अगर वो बाहर रखा रहेगा तो उसमें गंदी सी स्मेल आने लगेगी और खाना ख़राब हो जाएगा, है ना। तो हम लोग खाना फ्रिज में क्यों रखते हैं, जिससे हमारा खाने को टेम्परेचर जो होगा वो कम टेम्परेचर होगा, ठंडे में रहेगा और हमारा खाना सुरक्षित रहेगा। ना फूड प्रिजर्वेशन, फ्रूट प्रिजर्वेशन हम कैसे कैसे करते हैं, लाइक आपने मार्केट से एक चिप्स खरीदी, आप चिप्स खाते हो, बिस्किट खाते हो, वो सब कैसे सेफ रहते हैं, कैसे उसकी एक्सपायरी डेट 6-6 महीने की होती है, 4 महीने की होती है, और वो मार्केट में कब से बन के घूम रहा है ये भी आपको नहीं पता है। तो उसके लिए फूड प्रिजर्वेशन मिलाया जाता है हमारे बिस्किट में, चिप्स में, कोल्ड ड्रिंक्स में, जिससे वो बहुत ही जल्दी ख़राब ना हो। तो कुछ ऐसे केमिकल डाले जाते हैं या ऐसी जगह रखा जाता है उन्हें जिससे वो ख़राब ना हो और लोग उसे खा पी सकें अगले 3-4 महीने तक। तो उसका टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है, लाइक मिल्क का पैकेट है, मिल्क का पैकेट इंडस्ट्री में बनता है, वो 4 दिन चलता है। अगर आप एक नॉर्मल घर में जो नॉर्मल मिल्क आता है, जो आपका सीधा गाय से आप लेंगे, अगर उसे आप गर्मियों के दिन में नॉर्मल छोड़ देंगे बाहर, तो वो तुरंत ख़राब हो जाएगा। लेकिन जो मिल्क का पैकेट होता है यहाँ से कंपनीज में बनता है, उसमें क्या होता है, कुछ केमिकल्स बने होते हैं, उसकी स्टोरिंग अलग तरीके से होती है, जिसके कारण टेम्परेचर कंट्रोल करके उसे 3-4 दिन तक चलाया जा सकता है। मॉइस्चर कंट्रोल करते हैं, केमिकल का यूज़ करते हैं, लाइक आपका चिप्स का पैकेट है उसमें हवा जो होती है वो भी केमिकल है, खाने में कुछ केमिकल्स भी डाल देते हैं वो लोग, जिससे चिप्स हमारा ख़राब ना हो, ठीक है। फिजिकल मेथड भी है चीज़ों को सेफ रखने का, ना उसके बारे में हम देखेंगे आगे। टेम्परेचर कैसे करते हैं, लो टेम्परेचर कर दिया जाता है, जैसे कि आपकी आइसक्रीम है, आपकी आइसक्रीम आती है तो उसको किस में, फ्रीज में रखा जाता है ना लो टेम्परेचर में, जिससे आपकी आइसक्रीम ख़राब ना हो। और मान लीजिए जो हमारा गर्मियों का टेम्परेचर रहता है आइसक्रीम, उसमें रखी जाएगी तो हमारी पूरी आइसक्रीम ख़राब हो जाएगी। मिल्क मेड प्रोडक्ट होता है आइसक्रीम, जो है किससे बनी होती है, मिल्क से बनी होती है, खोए से बनी होती है, है ना, खोआ का यूज़ किया जाता है मिल्क का, ड्राई फ्रूट्स का। तो आइसक्रीम जो है उसे बहुत ही टेम्परेचर कंट्रोल में रखा जाता है, नहीं रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा और सारे ह्यूमन बीइंग क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। इसलिए आप लोग जब भी ब्रेड खरीदे मार्केट से, आइसक्रीम ले, तो आप लोग क्या करें, हमेशा उसकी एक्सपायरी डेट चेक करें। अब आपको पता है कल ब्रेड लेने गई थी मैं एक शॉप में, वहाँ पे ब्रेड उन्होंने कुछ रखी हुई थी जिसकी एक्सपायरी डेट कल ही की थी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्रेड लेने जाते हैं या बिस्किट लेने जाते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट चेक नहीं करते, और मान लीजिए आप लोग ने बेकार ब्रेड खा ली और आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है इससे। तो बी केयरफुल, आप लोग जब भी ब्रेड लें तो एक्सपायरी डेट वगैरह चेक करके लें, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेरलाइजेशन, स्टेरलाइज करते हैं हम अपने बर्तन को, साफ करके रखते हैं जिससे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना कर सके। केमिकल लैब्स में भी किया जाता है, ठीक है, वाटर से, है ना, स्टेरलाइज करना मतलब अपने चीज़ों को क्लीन करके रखना ना। यहाँ पे देखिए हमारा मार्केट में मिल्क ऐसे ही आता है बॉक्स में पैक्ड होके और पैकेट्स में पैक होके, इसके बारे में हमने पढ़ाया था इंटरेस्टिंग फैक्ट, ठीक है। वो ऐसे हीट करके पैक करते हैं कि जिससे वो 3-4 दिन तक
या 5 से 6 दिन तक ये डिब्बे वाले जो मिल्क होते हैं वो ख़राब नहीं होते, ठीक है, मार्केट में चलते हैं ये डिब्बे वाले, तो 10-10 दिन तक चलते हैं, वो ऐसे स्टोरेज करते हैं कंपनीज वाले, इसलिए ऐसा होता है ना। उसके बाद मॉइस्चर कंट्रोल, तो मॉइस्चर कंट्रोल करते हैं इसलिए हमारी जो कुछ चीज़ें हैं वो बची रहती है। लाइक द मॉइस्चर रिमूव फ्रॉम द फूड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल रिमूव। तो हम लोग अगर अपने खाने से मॉइस्चर रिमूव कर देंगे कुछ खाने से, तो क्या होगा, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रुक जाएगी। लाइक आप लोग ने देखा होगा मिंट लीव्स जो होती है आपकी, पुदीने के पत्ते, आपकी मम्मी क्या करती है धूप में सुखा के उसका पाउडर करके रख देती है। तो मतलब उसे हाई टेम्परेचर दिया मम्मी ने, ठीक है, सन के सामने रखा, उसके बाद उसे क्या किया, उसका पाउडर फॉर्म में करके उसे ठंडी के लिए तक के लिए स्टोर कर लिया। तो ये क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बनाने का प्रोसेस है। अगर उसे गीला गीला सा फ्रेश पत्ता अगर आप रख देंगे स्टोरेज में तो वो तुरंत ख़राब हो जाएगा, उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद केमिकल यूजेस है, आप सबको पता है, जो आप जाम खाते हैं, किसान जैम आपको पता है, पसंद है, आपको क्या पसंद होता है, कैचअप पसंद होता है, तो उन सब में क्या यूज़ किया जाता है, प्रिवेंट्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं, कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं, एक्स्ट्रा सॉल्ट डाले जाते हैं जिससे वो सुरक्षित रहे। फिर उसके बाद फिजिकल मेथड क्या है, हमारा रसगुल्ला जो हम मार्केट से लेते हैं या फूड है वो पैकेट में पैक होता है, ठीक है, उसमें केमिकल्स डाले रहते हैं, कुछ एयर टाइट कंटेन किया रहता है जिससे वो सेफ रहे। फिर यहाँ पे ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन होता है, राइजोबियम, जिसको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन साइकिल है, ठीक है। तो आप सबको पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है यहाँ पे, वो कैसे प्लांट के थ्रू क्या होता है, राइजोबियम के थ्रू सॉइल में उसे डिजोल्व कर दिया जाता है, और सॉइल से प्लांट उसे वापस लेता है, प्लांट उसे यूज़ करता है, उससे प्लांट की बॉडी में हमारे प्रोटीन वगैरह बनता है। सो स्टूडेंट, सेकेंड चैप्टर का रिवीजन आज डन हो गया है। जिनमें बच्चों ने अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखे वो देख लेंगे, क्योंकि साइंस का एग्ज़ाम आपका शायद 27 से है ना, 27 से आपका साइंस का एग्ज़ाम है, तो आप लोग बढ़िया से रिवीजन करिए। और आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। थैंक यू।